गुड मॉर्निंग क्लास टेन। आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल सी इन पल्लवा डायनेस्टी। इसके पीछे हमने पढ़ा था, इसकी लास्ट वीडियो जो थी वो चोला डायनेस्टी को डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे पल्लवा डायनेस्टी। तो यहाँ पे देखा गया द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी, जो भी थी यहाँ पे, दे रूल अपॉन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आर्कोट, मद्रास, त्रिचनापल्ली, तंजोर। तो ये एक्चुअली ये कहाँ पे, साउथ का एरिया है। ये देख लो, पल्लवा डायनेस्टी आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन से। तो ये जितना था अभी जितना एरिया, ये बस इतनी एरिया इनकी थी, जो यहाँ पे इन्होंने अपना एक अम्पायर इस्टेब्लिश किया था। मान लो थोड़ा सा, दैट वॉज नॉट एन अम्पायर बट अ डायनेस्टी बोल सकते, क्योंकि इनके जितने भी रूलर्स आए तो इसी तरह से ये इनके कंटिन्यू रूल्स किया। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो थी पल्लवा डायनेस्टी इसी एरिया में थी। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे साउथ में, आर्कोट, मद्रास, ये मद्रास में ही है, त्रिचनापल्ली एंड तंजोर। फिर अमंग द इंस्क्रिप्शंस, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिली है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जो पत्थरों में इंस्क्राइब करके हार्ड मेटल्स या फिर स्टोन्स में मोस्टली लिखा जाता था पहले, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। तो जो भी इंस्क्रिप्शन मिली है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, द मेंशन द फर्स्ट पल्लवा किंग इज ऑफ विष्णु गोपा, और वो कहाँ के थे, कांची के थे। तो इसी तरह से उसमें इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही पता चला कि जो पल्लवा के पहले किंग थे इज अ विष्णु गोपा, फिर सिम्हा विष्णु। इसके बाद कौन आते हैं, सिम्हा विष्णु जो थे वो असेंड करते थ्रोन द इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स सेंचुरी में। उसके बाद सिम्हा विष्णु जो थे उन्होंने असेंड किया सिक्स सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स सेंचुरी में, सी ई कॉमन एरा। नाउ आफ्टर दैट पल्लवा रूल फॉर अबाउट टू सेंचुरीज। तो देखा जाता कि पल्लवा ने लगभग कितनी सेंचुरी यूज़ की, टू सेंचुरी। सेंचुरीज में समझ में आ जाता है 100, तो टू सेंचुरी में 200 ईयर्स ऑलरेडी इन्होंने रूल किया। मेजर पल्लवा किंग जो भी इसके पल्लवा डायनेस्टीज में जो रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया अलग अलग किंगडम्स, तो यहाँ पे कितने सारे रूलर्स थे जो फेमस थे। तो यहाँ पे देखो पल्लवा किंगडम इंक्लूड महेंद्र वर्मा फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट, महेंद्र वर्मा सेकेंड, परमेश्वर वर्मा, नरसिम्हा वर्मा, परमेश्वरा वर्मा सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड एंड अपराजित। ये सारे थे रूलर्स किसके, पल्लवा डायनेस्टीज के। तो यहाँ पर जैसे अगर कुछ मान लो क्वेश्चंस पूछ लेंगे कुछ भी, गिव एग्जांपल्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी सम रूलर्स, तो इस तरह से किसी के भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं, कहा जाता महेंद्र वर्मा जो थे ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, ये बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि थी, ही वॉज गुड इन आर्किटेक्ट में, इनकी जो हबी थी इस चीज़ों में था, जिसके कारण इन्होंने बिल्ड, ही हैज़ बिल्ड टेम्पल्स, कर्व स्टोन्स जो होते हैं जो कर्व में होते हैं उस तरह से उस कर्व स्टोन्स को यूज़ करके टेम्पल्स बनाए। महेंद्र वर्मा फर्स्ट रोट, साथ साथ महेंद्र वर्मा ने क्या किया, ही हैज़ रोट अ प्ले। तो देखो यहाँ पे ही वॉज आर्किटेक्ट, फिर उन्होंने प्ले भी लिखा और उसका नाम क्या रखा, मत्ता विलासा प्रहसना। तो ये जो प्ले है इन्होंने लिखी, और कहा जाता है साथ साथ कि इन्होंने अपने समय में ही हैज़ ऑल्सो डग द पॉन्ड, तालाब भी बनाए थे ताकि पानी को स्टोर करे। तो इनके इस तालाब के नाम पे, अब उनके नाम पे इस तालाब का नाम पड़ गया महेंद्र पॉन्ड। फिर बताया जाता है ही वॉज डिफीटेड बाय, इतना करने पर भी, अब जब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा है मोस्टली जो किंग्स थे आसपास के नेबर्स थे जो लड़ाई कर रहे थे, तो इसी तरह से चोला के बीच में भी लड़ाई हो रही थी पांड्यास या फिर चोला के आके, ये थ्री जो थे किंगडम इनके बीच में भी हो रही थी। फिर हमने इसके आगे भी देखा था दे आर थ्री राइवल्स, राष्ट्रकूटर्स, प्रति गुर्जर प्रतिहारा, ये भी थे इनके थ्री, ये भी थ्री ट्राइंगल्स थे। तो इसी तरह से यहाँ पर ही वॉज बीन डिफीटेड बाय, तो ये किसे डिफीट हुए, डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग पुलकेश सेकेंड। पुलकेश फर्स्ट भी है बट ही वॉज बीन डिफीटेड बाय पुलकेश सेकेंड अराउंड 610। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे महेंद्र वर्मा जो थे फर्स्ट, ही वॉज बीन डिफीटेड, ये डिफीट हुए, ये हारे, अपना साम्राज्य अपना राजा जो था वो हारा किसके थ्रू,
पुलकेशिन सेकेंड के थ्रू। फिर बाद में महेंद्र सन, इनका जो बेटा आया और बाद में जो राजा बना सक्सेसर, नाम क्या दिया, नरसिम्हा वर्मन। इन्होंने अपने पिता का बदला लिया और उस एरिया को जिसने पुलकेशिन ने डिफीट करके उनसे छीन लिया था, उन्होंने उनसे वापस ले ली एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल, वापस अपनी राजधानी अपनी कैपिटल बतापी में बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, द चालुक्य किंग, तो ये चालुक्य जो किंग थे इसके जो उसके इसके बाद वाले जो रूलर्स आए, उन्होंने भी अपनी हार का बदला लेना चाहा, दे टुक रिवेंज ऑफ देयर डिफीट ऑल्सो। तो ये कब लिया, 655 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चालुक्य ने पल्लवा को हराया था, और कब हराया था, 610 सी में। उसके बाद 642 में, तो यहाँ पर 642 में वापस से पल्लवा डायनेस्टी ने इनसे छीन लिया और वापस अपना राज्य शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इनकी पीरियड में बीच में गैप आया। फिर देखा गया 655 में, 655 में चालुक्य ने वापस उनसे वो राज्य छीन लिया और फिर से उन्होंने शुरू कर दिया रूल करना। ठीक है, तो चालुक्य किंग अब कौन थे, विक्रमादित्य फर्स्ट। तो चालुक्य किंग जो जिसने हराया, विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड पल्लवा किंग परमेश्वरा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन का पुत्र परमेश्वर वर्मन, इनको हराया गया और उन्होंने उस एरिया को वापस ऑक्यूपाई की और अपना कैपिटल किसको बनाया, जो उनका कैपिटल था कांची, उसी को यूज़ किया। सो द इनिशियल पल्लवा रूलर जो भी थे, इन्होंने अपना दिखलाया गया, ही एस्टैब्लिश अ टाउन, उन्होंने अपनी एक टाउन बनाई थी और उसका नाम रखा था ममल्लापुरम, या फिर आज जो महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। तो महाबलीपुरम या फिर ममल्लापुरम, ये साथ साथ पल्लवस ने 5 चैरिट टेम्पल्स भी बनाए थे उसी एरिया में, ममल्लापुरम में या फिर महाबलीपुरम। इसके साथ साथ कहा गया रॉक कट स्टैचूज बनाए गए थे, पत्थरों को काट के कर्व वाले को। और उसके बाद दे हैज बिन बिल्ड पल्लवा रूलर बिल्ड टेम्पल्स इन कांची ऑल्स, तो रॉक कट स्टैचूज बनाए, पत्थरों को काट के स्टैचू बनाया गया, फिर टेम्पल्स भी बनाए इन्होंने कांची में। साथ साथ कहा गया कि दे आर द वर्शिपर ऑफ विष्णु सम ऑफ देम एंड सम ऑफ देम वर्शिपर ऑफ शिवा। तो इसी तरह से हम इस राज्य में पल्लवा डायनेस्टी में हमने देखा कि यहाँ पर पल्लवा रूल कर रहे थे, फिर पल्लवा को हराया चालुक्य ने, फिर चालुक्य को हराया वापस पल्लवा ने, फिर वापस पल्लवा को उनसे अपना रूलर छीन के वापस चालुक्य ने ले लिया। तो ये कंटिन्यू तो चलता गया पीरियड इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप में दिखाया गया, पूरा डिटेल्स में नहीं बनाया, दिस इज़ द एरिया ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा पल्लवा डायनेस्टी का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है और वह मूव करते हैं दूसरी डायनेस्टी में, पल्लवा के बाद चालुक्य डायनेस्टी। अभी जो हमने बताया कि ममल्लापुरम में उन्होंने आर्किटेक्चर्स के थ्रू मंदिर बनाई थी, चैरिट टेम्पल्स बनाया था, तो ये पिक्चर उनकी है, आपको दिख रही है पिक्चर्स, आपकी बुक में भी ये पिक्चर्स है, साथ में एक और पिक्चर्स है उसी टेम्पल्स ऑफ पल्लवा पैल पीरियड्स के समय में, इन्होंने जो टेम्पल्स बनाए थे ये पीरियड्स है, रॉक्स, ये सारे रॉक्स का ही है, कर्व रॉक्स को यूज़ किया गया, दिख रहा होगा उस तरह से आपको कर्व रॉक्स को कट करके इन्होंने। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, नाउ वी विल मूव टू द न्यू डायनेस्टी, दैट इज़ चालुक्य डायनेस्टी। ना यहाँ के जो रूलर्स थे पुलकेशिन, अभी हमने बताया पुलकेशिन ने लड़ाई भी लड़ी किसके साथ, पल्लवा के साथ। तो चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट हैज़ परफॉर्म्ड अश्वमेध याजना, इन्होंने भी किया ये परफॉर्म, ये पूजा इन्होंने भी की थी, और ये चैलेंज जो मोस्टली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है और जो ज़्यादा पावरफुल किंग होते हैं वो वही करते हैं। इस तरह से कहा गया पुलकेशिन फर्स्ट जो थे उन्होंने इसको, इस याजना को कंप्लीट की थी। चालुक्य वतापी के जो थे, वतापी के चालुक्य वतापी रूल 550 सी टू 750
757। उसके बाद बीच में सब इंटरप्शंस आया था, क्यों आया था? क्योंकि अभी हमने पढ़ा पीछे में ही कि पल्लवा, इसमें बीच में पल्लवा डायनेस्टी को हराया गया, फिर चालुक्य लिया, फिर चालुक्य के पुत्र पल्लवा डायनेस्टी के पुत्र वापस आए और उसे वापस इसे छीन लिया। तो ये बीच वाला पीरियड वही वाला पीरियड है, ठीक है? आप डेट देख लेना, वो वही पीरियड है जहाँ पे चालुक्य किंगडम्स जो थे रूल कर रहे थे, जब वो पल्लवा डायनेस्टी को अटैक किया था, फिर उनसे उनका एरिया छीन लिया गया पल्लवज ने। तो ये पल्लवज वाला पीरियड है जहाँ पे पल्लवज ने अपनी चालुक्य से अपना राज्य वापस लिया था, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया कि एक्सक्लूडिंग सम इंटरप्शन, बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ था इस पीरियड में, नहीं तो इन्होंने रूल लगभग 550 से 755 सी तक रूल किया है। अब आता है यहाँ पर कि चालुक्य रूलर्स के जो भी रूलर्स थे, द फोर्थ किंग पुलकेशिन सेकेंड जो थे, कहा गया इनमें से ये फेमस थे। इन्होंने जब थ्रोन ऑक्यूपाई की थी, कब की थी? 608 में। हिज एम्पायर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ? इनके एम्पायर कहा गया रिवर नर्मदा से कावेरी तक, मतलब इस तरह से जो अपनी आप मैप में देख लेना, चेक लेना, इस एरिया में इस तरह से डैश डैश करके इस तरह से, जैसे इस एरिया में था पल्लवा का, वैसे ही साउथ में है, ठीक है? तो इसी तरह से ये नर्मदा है, ये कावेरी की रिवर इस तरह से आती है, तो ये बीच वाला एरिया जो है इन्होंने इस तरह से रूल किया था। तो इनकी एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है? कहा गया कि इट वॉज एक्सटेंड फ्रॉम रिवर नर्मदा इन द साउथ टू रिवर कावेरी, सॉरी नर्मदा इन द नॉर्थ एंड रिवर कावेरी इन द साउथ। फिर कहा गया ही वॉज डिफीटेड बाय पल्लवज किंग। तो यहाँ पे चालुक्य भी पल्लवज किंग के थ्रू हारे थे इन्हें लड़ाई में, और वो कौन था? नरसिम्हा वर्मा 1642 में। ये वाला पीरियड आ गया आपको, देखो यहाँ पर। तो पल्लवा किंग कौन थे जिसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन ने हराया था। फिर पुलकेशिन के सन जो आए थे विक्रमादित्य सेकेंड, उन्होंने वापस उनसे वो छीना उनकी पल्लवा किंगडम से, और वापस ग्लोरी अपनी बढ़ाई। फिर उसके बाद देखा गया चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकेंड डिफीटेड द राष्ट्रकूटा किंग ऑल्सो। तो ये वो आ गया राष्ट्रकूटा वाला आ गया उस किंगडम्स में जो हमने चोला के पहले पढ़ा था, उसमें था राष्ट्रकूटा किंगडम, उसको भी हराया गया इन द ईयर 1973 में। और इसी तरह से ही एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी, और इसी तरह से इन्होंने एक नया राज्य डायनेस्टी स्थापित किया बाय मेकिंग कल्याणी एज इज कैपिटल, कल्याणी को अपना कैपिटल बना के, ठीक है? और इन्होंने कब से कब तक रूल किया न्यू डायनेस्टी में? कल्याणी को अपना कैपिटल बनाया तो 973 से 1200, एक अच्छा खासा लंबा पीरियड इन्होंने रूल किया। किसको हरा के? राष्ट्रकूटा किंगडम्स को हरा के उसके एरिया को, और उस एरिया में उन्होंने कल्याणी को कैपिटल बना के वहाँ पर रूल किया। फिर आता है यहाँ पर कि दिस चालुक्य किंगडम्स ऑफ कल्याणी जो थे, ये हमेशा कन्फ्लिक्ट्स में रहे वो एरिया, क्योंकि वो एरिया उनका तो था नहीं, उन्होंने किसी और से लिया, और राष्ट्रकूटा के साथ हमेशा झगड़ा होता था अलग अलग राज्यों से, सभी मोस्टली दे आपस में क्यों करते थे कन्फ्लिक्ट? बिकॉज ऑफ पावर, अपनी एरिया को बढ़ाने के लिए। तो कहा गया कल्याणी हमेशा कन्फ्लिक्ट में था, किसके थ्रू? चोला रूलर्स के थ्रू। लंबे समय तक इनकी लड़ाई हमेशा इन किंगडम्स के थ्रू हुई। तो चोला किंग राजा राजा जो था राजा इन्होंने डिफीट किया था सतवा, इन्होंने डिफीट किया था कैसे? तो चोला किंग राजा डिफीट किसको किया? डिफीटेड सत्य श्रेय इनको डिफीट किया था, और क्रश द चालुक्य किंग। और उसके बाद क्योंकि ये कौन थे, ये किंग किसके थे? चालुक्य किंगडम्स के थे, तो चोला किंग्स ने इनको हराया। और उसके बाद सोमेश्वर आया, उसने अपने बदला लिया, अवेंज द डिफीट, बट नॉट ओनली डिफीटिंग द चोला किंग। तो जब सोमेश्वर आया तो इसने अपना बदला भी लिया, डिफीट किया, लेकिन साथ में डिफीट ही नहीं, चोला किंग राजा दि राजा, बट इसने कहा गया उसके साथ बहुत बुरा भी किया था, बैटल इन द कोपम, उसके साथ उसे बंदी बना दिया गया था, बट ऑल्सो ही वॉज असिनेटेड राजा धीराजा, उन्हें पनिश भी किया गया था। तो इस तरह से मूव करते हैं नेक्स्ट में।
तो कोपम में जो बैटल हुआ था उसके थ्रू राजाधिराजा को उन्होंने असनेट किया था उस बैटल के थ्रू। फिर आता है द सेवन किंग विक्रमादित्य सिक्स्थ जो थे, हु वाज आल्सो फेमस, ये भी बहुत फेमस थे, उनको क्या नाम दिया गया था, विक्रमन। तो विक्रमन का ये जो थे इनको इस तरह से नाम दिया था, विक्रमादित्य को नाम को रिप्लेस करके ही वाज बीन आल्सो केम टू नोन एज अ फेमस पर्सन विक्रमन का। एंड ही ऑक्यूपाइड कांची एंड प्रोवाइडेड, उन्होंने कांची को ऑक्यूपाई किया। लास्ट में इन्होंने इनके राज्य में इनके कोर्ट के अंदर रिनॉट पोए मतलब नामी जो कवि थे उनको उन्होंने अपनी शरण में अपने राज्य में रखा था, शरण दी थी। बिलहाना, तो बिलहाना उन्होंने बुक लिखी किनके ऊपर, विक्रमादित्य के ऊपर। तो नाम क्या रखा उन्होंने, नाम रखा विक्रमन आदित्य अच्छा। तो ये मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कर लेना, विक्रमादित्य का अचारिता। तो इस तरह से इनका ये किताब लिखा गया किसके बेस पे, विक्रमादित्य के ऊपर। एंड डिस्पाइट बीइंग हिंदू, ये हिंदू होने पर भी इन्होंने क्या किया, बाकी रिलीजियस को वतापी और कल्याणी के जो रूलर्स थे, ठीक है, चौलक्या किंग जो थे वतापी एंड कल्याणी के, इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी अपने राज्य में रहने दिया, उन्हें प्रोटेक्ट किया। दो ही वर देवा हिंदू द चौलक्या किंग बिल्ड मेनी टेम्पल्स, इन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। फेमस लॉयर जो थे विजयनारेश्वरा, इन्होंने एक बुक लिखी थी मितांक्षरा, ठीक है। तो ये फेमस लॉयर कहा जाता है विजयनारेश्वरा, इन्होंने एक किताब लिखी थी मितांक्षरा जिसने इंटरप्रिटेशन था किस चीज़ का, ये था इस बुक्स के इंटरप्रेट किया था इनको उन्होंने अपने अच्छे सिविल लैंग्वेज में लिखा गया था, दैट वाज यज्ञवल्क्य स्मृति, इनको इन्होंने इंटरप्रेट करके लिखा था और उस बुक का नाम रखा था मिताक्षरा। बाद में कहा जाता है लिव्ड इन कल्याणी विच इज़ द कैपिटल ऑफ चौलक्या। तो इसी तरह से ये जो फेमस लॉयर था विजयनेश्वरा, ये कहाँ रहते थे, कल्याण में रहते थे, कल्याणी में, और जो कैपिटल भी था विच वॉज द कैपिटल ऑफ चौलक्या, उन्होंने अपने कैपिटल बना के रखा था कल्याणी को। फिर मिताक्षरा जो कहा गया आज एज एन ऑफिशियल बुक है किसके लिए, हिंदू लॉ के लिए। तो हिंदू लॉ के लिए जो ऑफिशियल बुक है वो कौन सी बुक है, अगर क्वेश्चन मान लो कि ये बुक जो है मिताक्षरा क्या है, या फिर हमारे हिंदू लॉयर बुक जो ऑफिशियल उस बुक का नाम क्या है, तो मिताक्षरा। और लिखा किसने था, ये किसने कंपोज किया, विजयनारेश्वरा, और किसकी इंटरप्रिटेशन थी, यज्ञवल्क्य स्मृति इनकी इंटरप्रिटेशन थी, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो ये मंदिर, ये जो टेम्पल्स है, ये टेम्पल्स अपने चौलक्या किंग ने बनाई थी, ये टेम्पल्स उसी की है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक में हम पहुँच गए, एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड असिमिलेशंस, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपलोड, ठीक है। टिल देन टेक केयर।